सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग अस्सी घाट पे जा रहे हैं। गंगा आरती तो 5:30 बजे हो जाता है लगभग, हो सकता है लास्ट उसका देखने को मिल जाए, लेकिन सूर्योदय और थोड़ा सा सुबह बनारस का आनंद वहाँ पे उठाएंगे। ये रोड के किनारे रखी हुई कुछ मूर्तियां हैं जो निर्माणाधीन है अभी। एक नाव से दूसरे नाव उतरते टाइम गुड बाय नाव। चाय बनाने का तरीका देखिए, यहाँ पे पहले तुलसी पत्ते को उबाला जा रहा है जो कि यहाँ पे आपको एंटीबायोटिक का काम कर रहा है। तुलसी पत्ता डाला हुआ कुल्हड़ की चाय में एक बार, और सुबह तो लिए थे लेकिन सोच रहे हैं कि एक बार और इसका आनंद उठा लिया जाए, क्योंकि कुल्हड़ की चाय में, कुल्हड़ में चाय पीने का आनंद ही कुछ और होता है। हालांकि चाय थोड़ा सा
बनारस के हिसाब से अगर देखें तो थोड़ा कॉस्टली है। हालांकि वैसे तो चाय की कीमत होटल्स के अनुसार बदलती रहती है, 500-1000 रुपये तक की एक चाय मिलती है, या आपको 20 रुपये की चाय पड़ेगी कुल्हड़ में, लेकिन पैसा वसूल चाय है काफ़ी अच्छा। चलिए अभी सुबह सुबह हमने घाटों के दर्शन किया, वापस आ गए होटल में नहा धोकर फ्रेश होके। अभी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे दुर्गा कुंड है, मानस मंदिर है, वहाँ चलेंगे, वहाँ का विजिट करेंगे, उसके बाद फिर वापस यहाँ से आएंगे, अपनी गाड़ी लेंगे, संकट मोचन विश्वनाथ टेंपल जो BHU कैंपस में है, नया वाला बिरला टेंपल भी कहते हैं उसे, वो देखते हुए सारनाथ चलेंगे। तो बने रहे मेरे साथ।